हार नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवार कभी गुलजार नहीं होती, जो शेर जिगर ना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराश बिन उसमें चमकार नहीं होती, बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जीते हैं शह सवार मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, ओ हो इरादे बुलंद जो ना हो अगर, तो फतह फिर कैसे मिले, कायर की कभी भी दुनिया में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, वेलकम टू आरडीडी शो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सबसे पहले आप सभी को विश्व रंगमंच दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रंगमंच की बात करें तो रंगमंच जीवन में खुशियों के रंग भरता है, रंगमंच कलाकार को कीमती पत्थर की तरह निखारता है और सच्चे कलाकारों की उपज रंगमंच से ही होती है। और इसी तरह हमारे इस स्पेशल एपिसोड में जुड़ने वाले हैं थिएटर एक्टिविस्ट जो हिंदी और गुजराती थिएटर के लिए जाने जाते हैं, इसके अलावा इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना नाम है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंडियन फिल्म एंड टीवी एक्टर मिस्टर संजय भाटिया जी की। संजय भाटिया जी की बात करें तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना नाम है, जिन्होंने एयरलिफ्ट, दृश्यम, टू स्टेट इत्यादि कई हिट मूवीज में काम किया है। और सीरियल की बात करें, पवित्र रिश्ता, मन सुंदर, चंद्र नंदनी इत्यादि कई हिट सीरियल में काम किया है। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट से और जानते हैं वर्ल्ड थिएटर डे के बारे में और उनकी जर्नी के बारे में। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, आप सभी को विश्व रंगमंच दिवस की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और बस थैंक यू सो मच सर, सदा फला फुला रहे और आप लोग इस तरह से बढ़िया से प्रोग्राम सबके सामने लाते रहे, यही शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, और आपको भी वर्ल्ड थिएटर डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और सर, सबसे पहले तो हम वर्ल्ड थिएटर डे के बारे में जानना चाहेंगे सर। देखिए, जैसे शेक्सपियर ने कहा है कि ये दुनिया एक रंगमंच है, और हम सब जो कलाकार, जो जिंदा लोग यहाँ पे हैं, जो इंसान हैं, वो सारे अलग अलग पात्र हैं। और थिएटर की उत्पत्ति वैसे हुई है, क्योंकि कभी किसी ने, अगर हम ये बात करें कि जब किसी ने भाषा का जब चयन नहीं हुआ, जब भाषा नहीं खोजी गई थी, मैं स्टोन एज की बात कर रहा हूँ, तब क्या हुआ होगा, तभी लोग एंटरटेन तो होते होंगे ना, और हम सिर्फ एक कयास लगाए कि किस तरह से हुआ होगा, कैसे थिएटर की उत्पत्ति हुई होगी, वो तो एक कहने की बात है, क्योंकि हम तो वहां पर कोई थे नहीं। लेकिन अगर किसी ने किसी को कुछ बताना हो और उसने उस चीज को अलग तरीके से बताया, या तो परफॉर्म करके बताया, तो वहां से एक परफॉर्मेंस की शुरुआत हुई होगी, और बाद में जब भाषा आई तब अलग अलग अपनी अपनी भाषाओं में उन्होंने बताना शुरू किया, और बाद में तो दैट्स द हिस्ट्री की, जैसे भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा, और उससे पहले शिवजी ने किस तरह से इसको एक फॉर्मुलाइज करके इस विधा को, इस कला को एक कला का नाम दिया, और जिस तरह से लोगों तक थिएटर पहुंचा और अलग अलग स्टोरीज एक कलाकार परफॉर्म करके बताना शुरू किया। तो जैसे अगर हम बेसिक देखें जी, तो दुनिया में हर इंसान एक कलाकार है। राइट सर, दुनिया का हर इंसान, हर व्यक्ति, छोटे से छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक, सभी के सभी कलाकार, जो अपनी बात
लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और वो अगले इंसान को बहुत ही स्पष्ट रूप से एकदम क्लियरली समझ में आए, इसलिए अपनी एक जिसको बोलते हैं स्टाइल उसमें वो पेश करते हैं और लोगों को एंटरटेन करते हैं या लोगों को इन्फॉर्म करते हैं। जी, तो यही राइट है, सर, थिएटर भी यही करता है, फिल्में भी यही करती हैं, वेब सीरीज भी यही करती हैं, माध्यम कोई भी हो, लेकिन ये मास कम्युनिकेशन का जरिया है। जी जी राइट सर, बिल्कुल सही कहा है आपने। और हमारे साथ जो ऑडियंस जुड़े हैं उन सभी को भी मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। और सर, मेरे शो की थीम है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं जानना चाहूंगी कि आपकी लाइफ में भी कभी ऐसे मोमेंट आए हो जब आपने कोशिश की हो और हार नहीं मानी हो। वो कोशिश लगातार जारी रहती है एक कलाकार के जीवन में, एक इंसान के जीवन में, और जिस दिन इंसान कोशिश करना छोड़ देता है उसी दिन वो इंसान खत्म हो जाता है। तो कोशिश करना ये मनुष्यवत स्वभाव है, और जो इंसान कोशिश नहीं जी करता वो पहले ही हार जाता है। तो राइट, मेरे करियर की जो शुरुआत की थी, मैं कभी एक्टर बनना चाहता ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि मैं एक्टर बन सकता हूँ। जो एक अंदर जी जो कला छिपी हुई है वो मुझे नहीं पता था। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि चाणक्य नाम का एक नाटक मनोज जोशी बना रहे हैं गुजराती में, जी और मैं तुम्हें देखता हूँ तुम अच्छा खासा बोल लेते हो, फियरलेसली अपने क्लास में बात करते हो, स्टेज पे चले जाते हो, तो मुझे लगता है कि तुम्हें ये ट्राई करना चाहिए और शुड ट्राई दिस। बचपन में किया करता था मैं, मोनो एक्टिंग वगैरह करता था, प्राइजेस लाता था, लोगों को पसंद आता था, लेकिन एक्टर के तौर पे मैं एस्टेब्लिश हो पाऊंगा ये मुझे कभी पता नहीं था। इससे पहले मैंने ज्यादा नाटक भी नहीं देखे थे। तो वैसे शुरुआत हुई और मैं मनोज जोशी के साथ में जुड़ा और तब से लगातार उनके साथ जुड़ा रहा। आज 35 साल हो गए मैं मनोज जोशी के साथ जुड़ा हूँ और एक ही नाटक हम लोग कर रहे हैं पिछले 32 सालों से। ये वर्ल्ड थिएटर डे पे सब लोगों को जानने जैसी बात है कि 32 सालों से लगातार एक नाटक चल रहा है जिसका नाम है चाणक्य, और आई एम प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद चाणक्य फॉर 32 लॉन्ग ईयर्स। एंड ये सारा जो प्रयास है वो पूरी टीम का तो है ही, लेकिन मैं दाद देना चाहूंगा मनोज जोशी जी की और प्रोड्यूसर चारू जोशी जो उनकी पत्नी है, जो लगातार इस प्ले को इतने वर्षों तक लगातार चला रहे हैं, और जिसकी वजह से एक ऐसा हम लोगों ने करीबन 1200 से ज्यादा शोज किए हैं, दो अलग अलग लैंग्वेजेस में, गुजराती और हिंदी में, जिसके जिस नाटक के शोज पार्लियामेंट में भी हो चुके हैं, और नरेंद्र मोदी जी ने कम से कम 6 बार यह नाटक देखा है, हमारे राष्ट्रपति कोविंद जी ने भी ये शो रखा है। उन्होंने जब यहाँ पे थे, राज्यपाल थे बिहार के, तब उन्होंने ये शो बुलवाया था। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है चाणक्य के साथ में, उसके लिए एक अलग एपिसोड बन सकता है आपका, इतनी सारी चीजें हैं। जी, तो वैसे मेरी शुरुआत हुई और बाद में मैंने जी बोलिए। यस यस, और थोड़ा सा मैं इस प्ले के बारे में जानना चाहूंगी सर, चाणक्य के बारे में, क्योंकि 32 ईयर्स तक बहुत बड़ी बात होती है सर। देखिए क्या होता है कि जो कलाकार होता है ना, उसको अपॉर्चुनिटी जब मिलती है तब वो दूसरी अपॉर्चुनिटी और चला जाता है, तो कुछ गलत नहीं है। लेकिन अगर आपको एक सब्जेक्ट बहुत ज्यादा पसंद आता हो और आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट इतना सुंदर सब्जेक्ट है और इतनी प्यारी स्क्रिप्ट है जो मिहिर भूता ने लिखी है, उस स्क्रिप्ट से मैं इतना ज्यादा प्रभावित हुआ हूं कि मैं वो नाटक के लिए मैं सब कुछ छोड़ के आ सकता हूं। मैंने कई सारी फिल्में, कई सारी एड्स, कई सारी सीरियल्स छोड़ी है नाटक के एक शो के लिए, और
मुझे मुझे ये गम नहीं है कि मैंने क्यों छोड़ा इतना अच्छा काम, क्योंकि मैं जी उससे भी कई गुना बेहतर काम कर रहा हूँ, वो है चाणक्य। तो क्या मुझे बात मजा है आता है सर। वो काम करने में। मुझे जो संदेश चाणक्य पहुंचाता है लोगों तक, वो समझाने में मजा आता है। जो तीन अलग अलग जी भूमिकाएं मैं चाणक्य में करता हूँ, वो भूमिकाएं करने में मुझे मजा आता है। इसलिए उसके लिए, ये थिएटर के लिए मैं बहुत कुछ बलिदान करने के लिए तैयार हूँ, जब तक ये चाणक्य चल रहा है। क्या बात है सर, क्योंकि जो सच्चे कलाकार होते हैं, सच्चे कलाकार की उपज रंगमंच से ही होती है सर, और रंगमंच खुशियों के रंग भरता है। और सच में आज मुझे रंगमंच बहुत एक, ही अच्छा लग रहा है जी, नहीं, बोलिए बोलिए। रंगमंच के प्रति आपका जो प्यार है, सच्ची लगन है सर। आज की डेट की बात करें तो सभी शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, स्टार बनना चाहते हैं, इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, लेकिन जो आपकी सच्ची लगन है, सच्चा प्यार है रंगमंच के प्रति, हैट्स ऑफ सर। थैंक यू सो मच। जी, और सर मुंबई की बात करें तो आपकी जो जर्नी रही है मुंबई की, उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी सर, क्योंकि आपने काफी फिल्मों में काम किया है, सीरियल की बात करें सीरियल्स में काम किया है, वो जर्नी कैसी थी सर? कितना खुद को एस्टेब्लिश करना कितना मुश्किल था? वैसे तो रंगमंच कर्मी की अगर बात करें तो वो ऑलराउंडर होता है, तो सर मैं जानना चाहूंगी आपकी जो जर्नी रही है फिल्मों और सीरियल्स की, क्योंकि आपने डिजिटल एड, टीवीसी एड काफी की है, उसके बारे में जानना चाहेंगे सर। आपका जो बॉलीवुड में फर्स्ट प्रोजेक्ट था वो कौन सा था? क्योंकि आपने एयरलिफ्ट जैसी, रई सारथी जैसी हिट मूवी में काम किया है। मेरा मेरी बॉलीवुड की शुरुआत, अगर जिसको बॉलीवुड कहा जाता है, मैं उस टर्म को ज्यादा तवज्जो नहीं देता, क्योंकि हम लोगों ने हॉलीवुड से इंस्पायर होकर के बॉलीवुड बनाया है। लेकिन अगर हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, तो हिंदी फिल्मों में मैंने जो पहला काम शुरू किया था, सबसे पहले मेरी अगर फिल्म के तौर पर देखी जाए, तो फीचर फिल्म के तौर पर मैंने की थी शिप ऑफ फिजियस। आनंद गांधी की यह फिल्म जो दुनिया में कई जगह पे बहुत सारे अवार्ड्स लेके आई है, और मैंने आनंद गांधी के साथ में काम किया था राइट हियर राइट नाउ, उसकी जो शॉर्ट फिल्म थी पहली, उसमें मैंने काम किया था। और तब से आनंद एक बेहतरीन डायरेक्टर और एक स्टोरी टेलर है, ये जान गया था मैं, और मैं उनके साथ में जुड़ा रहा था। शिप ऑफ फिजियस के बाद में मैंने रुक किया था टेलीविजन सीरियल्स की और काफी चीजों की और, कि जहाँ पे और भी अपॉर्चुनिटीज मिले। तो उसके बाद में मैंने टेलीविजन सीरियल्स वगैरह की, और फिल्मों, अगर मेन स्ट्रीम सिनेमा की बात करें, तो टू स्टेट्स और दृश्यम, ये मेरी पहली फिल्में रही हैं जिसके अंदर लोगों ने मुझे देखा था बड़े पर्दे पर। जी, यस। और दृश्यम की बात करें, दृश्यम भी बहुत ही अच्छी फिल्म थी, और से अक्सर सुना जाता है कि जैसे फिल्मों की बात करें तो काफी सीन कट भी होते हैं सर, फिर आपको कैसा लगता है जब आपका कोई, आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ हो कुछ? देखिए, जब आप एक फिल्म करते हो या कोई भी प्रोजेक्ट करते जी हो, कोई नाटक करते हो, या तब वो जो प्रोजेक्ट है वो जी सबसे ज्यादा अच्छा कैसे लग सकता है, उस पर ध्यान होना चाहिए, क्योंकि आप उसका जी हिस्सा हो सकता है कि आपका पार्ट उस पर कट जाए। लेकिन जी अगर वो पार्ट कटने के बाद, या तो पार्ट कटने की वजह से, अगर ये ज्यादा बेहतर लगता है, देन यू शुड अग्री जी टू इट। कई बार हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, कि ऐसे मैंने 3 से 4 सीन शूट हुए हैं और बाद में वो एक आध सीन में कहीं पे दिखाऊं, लेकिन ठीक है, डायरेक्टर जी को या प्रोड्यूसर को या स्टोरी टेलर को ये लगा होगा कि ये बेटर है, ये सीन कटने की वजह से स्टोरी जी ज्यादा अच्छी होती है, तो उतना तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जी जी राइट सर।
बिल्कुल सही कहा है। और सर जब आपने आई थिंक 1990 में आपने जो अपने कैरियर की शुरुआत की थी, क्योंकि उस टाइम सोशल मीडिया नहीं होता था, तो किस तरह से मैनेज करते थे आप ऑडिशन वगैरह? आजकल तो बहुत फैसिलिटी है, सोशल मीडिया का जमाना है, आप ऑनलाइन ऑडिशन दे सकते हैं, तो उस टाइम उस दौर की बात करें तो किन डिफिकल्टियों का सामना करना पड़ता था आपको? सबसे पहले तो तब हमारे पास फोटोग्राफ जो आजकल मोबाइल पे इतनी आसानी से फोटोग्राफ बन जाते हैं, वो फोटोग्राफ बनाने के लिए हमें एक बहुत बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। हमें एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर के पास जाकर के अपना पोर्टफोलियो करवाना पड़ता था और वो एल्बम की वो फोटोग्राफ की बहुत सारी कॉपीज हमें रखनी पड़ती थी। उसके लिए एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता था। और फिर वो जब हम किसी प्रोडक्शन हाउस में जाते थे, अगर उसने एक के अलावा दूसरी फोटोग्राफी मांग ली तो ऐसा मन में होता था, अरे यार और 4 रुपए चले जाएंगे, और एक हमें फोटोग्राफ, फिर और उतनी फोटोग्राफ कम हो जाएंगी। और तब पैसों की वैल्यू बहुत थी क्योंकि पैसे थे नहीं, तो बहुत संभाल संभाल के खर्च करना पड़ता था और काम भी चाहिए। और जब ये देखते थे कि उस प्रोडक्शन हाउस में हमारी जो दी हुई फोटोग्राफ है वैसी ही पड़ी है, इसका कुछ उपयोग नहीं हो रहा है या तो कोई दिखा नहीं रहा, तो और जी जलता था कि अरे भाई हमने इतनी मेहनत से इतना पोर्टफोलियो करवाया, फोटोग्राफ करवाई, आपको आकृति, मैं अपने घर से बस में ट्रैवल करके आपके पास आया या ट्रेन में ट्रैवल करके आपके पास आया, इतनी मेहनत करके आपको फोटोग्राफ दी और वो आप इस तरह से डस्टबिन में पड़ी हुई, लेकिन इट्स पार्ट ऑफ द गेम, यू टू एक्सेप्ट इट। और तब जो प्रोडक्शन हाउस में जो कास्टिंग डायरेक्टर हुआ करते थे उसकी बहुत चलती थी भाई, क्योंकि वो उनके पास से वो जरिया होते थे, उनके पास से जब फोटोग्राफ प्रोड्यूसर के पास पहुंचती थी तब जाकर के हमें हमारा चेहरा रिकॉग्नाइज होता था कि भाई ये इंसान है जो कलाकार है। बाद में होते थे ऑडिशन, और ऑडिशन में भी ये होता था कि एक कैमरा जिसके पास है वो बहुत बड़ा माना जाता था कि इसके पास कैमरा भाई, इसके ऑडिशन होते। आजकल तो फोन पे हो जाती है ऑडिशन, तो वो छोटा सा हैंडीकैम लेकर के वो शूट किया करते थे। जी और इस तरह से मतलब बहुत सारी तकलीफें होती थी, जो आज जितनी सुविधा हो गई है सोशल मीडिया की वजह से और मोबाइल फोन की वजह से, वो सुविधाएं हमने हमें नहीं मिली। राइट सर, काफी चेंजेस आए हैं सर। इंडस्ट्री की बात करें, इंडस्ट्री में काफी चेंजेस आए हैं, और इससे पहले विजय कुमार सर हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि एक थिएटर एक्टिविस्ट है, आई थिंक आप भी जानते होंगे। सुरेंद्र जी सिंह जी जुड़े हैं, जो कि बॉलीवुड के म्यूजिक कंपोजर है। थैंक यू सो मच। सिंगर वासुदेव दीवाना जी हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन, जो जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। और सर इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में काफी चेंजेस आए हैं सर, क्योंकि आप इतने टाइम से इंडस्ट्री में काम कर रही हो, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी सर, जो आज की जनरेशन है और आज की कंटेंट है, क्योंकि आप भी काम कर रही हो, तो कितना फर्क पड़ा है इंडस्ट्री पे? डिजिटलाइजेशन के साथ में बहुत सारी चीजें टेक्निकली सुधरी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे स्टोरी टेलिंग, जो कहने की बात है, उसमें रिवॉल्यूशन है, मना नहीं है, बहुत बेहतरीन स्टोरीज आ रही हैं। ऐसे ऐसे सब्जेक्ट आ रहे हैं जो लोगों ने नहीं सुने थे बिकॉज ऑफ दी वेब सीरीज। आप ऐसी ऐसी बातें बता सकते हो जो जो आप आमतौर पे एक टेलीविजन पे या तो फिल्मों पे नहीं बता पा रहे हो, वो आई है। कंटेंट बेटर हुआ है क्योंकि उसमें खुलापन आया है, एक कहने की उसको बंदी एक बंदिश नहीं है, एक आपको कोई लिमिटेशंस नहीं है, यू कैन फ्रीली एक्सप्रेस व्हाट एवर यू वांट टू से। यानी कई सारी ऐसी फिल्में, शॉर्ट फिल्म्स, वेब सीरीज जो ऐसे ऐसे सब्जेक्ट को टच करती है जिससे इंसान आमतौर पे अकेले में दिखना चाहता है और वो जानना चाहता है कि ये कैसे हुआ, और ये बहुत अच्छा माध्यम रहा। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम उसका दुरुपयोग भी हुआ है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो
जिसको कहते हैं कि जो नहीं होना चाहिए। आप बहुत सारी चीजें जो बेडरूम की हैं, इंटीमेट है, उसको आप अपने तक सीमित रखें, ठीक है वो अपने जगह पे, लेकिन इतना ज्यादा प्रदर्शन अच्छी बात नहीं होती है। हर एक हर एक की एक सीमा होती है और बहुत राइट बार इंसान सीमा को क्रॉस कर देता है। जी तो दोनों प्लस एंड माइनस दोनों चीजें हैं। राइट सर, बिल्कुल सही कहा है। और सर आजकल तो वेब सीरीज का ट्रेंड है, ओटीटी प्लेटफॉर्म का, उसके बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने भी वेब सीरीज की है स्कैम 1992, इंदौरी इश्क और 110, जो कि एक गुजराती वेब सीरीज है। और आपने आई थिंक काफी सालों बाद गुजराती इंडस्ट्री में जो फिर से ज्वाइन किया है, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे सर। मुझे वेब सीरीज करने में डेफिनेटली ज्यादा मजा आता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वहां पे एक कलाकार के रूप में मुझे खिलने का बहुत बढ़िया बड़ा मौका मिलता है, और बहुत बहुत बढ़िया साधन होते हैं जिसे आपको समय मिलता है अपने आप को निखारने। एडवांस में स्क्रिप्ट होती है, आपको पूरी स्टोरी पता होती है कि आपका किरदार इस स्टोरी में कैसे है, और चूंकि आपके पास पूरी स्क्रिप्ट है तो आपको ये पता रहता है कि आपको इसके अंदर आगे पीछे के रेफरेंसेस क्या हैं, और उस तरह से आप एक्ट कर पाते हैं। इंदौरी इश्क में मैंने फादर का कैरेक्टर किया है, तो जब मैंने पूरी स्टोरी देखी तब समझ में आता है कि एक लड़का प्यार के पीछे ऐसा पागल हो जाता है कि उसका इतना बढ़िया करियर वो छोड़ के प्यार के पीछे चला है, जो उसको प्यार मिलने वाला नहीं, और उसकी वजह से वो इतना फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, शराबी बन जाता है, यानी और ऐसे हालात हैं। और ये जो राइटर है इस वेब सीरीज के, ये उसकी खुद की जीवन की बात है। तो जब ये जानना तब तो हमें लगा कि यार ये तो कमाल है। तो और उस तरह से वो परफॉर्मेंस निखर के आती है, क्योंकि आपको सारी चीजें पता है। टेलीविजन में अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि डायरेक्टर को भी बेचारे को पता नहीं होता है कि आगे अभी ये नेक्स्ट एपिसोड क्या आने वाला है, क्योंकि वो ऊपर से तय करके आते हैं कि भाई ये सर, तो वहां पे बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं कि आप रेफरेंसेस नहीं पकड़ पाते हो, यहाँ पे रेफरेंसेस पकड़ पाते हैं। जैसे कि नाटक में हमें एक नाटक पूरा नाटक है तो हमें पता होता है कि हमारा किरदार इस नाटक में किस तरह से क्या प्रभाव ला सकता है, इसलिए आप उस तरह से एक्ट करते हो। तो ये एक फर्क पड़ता है। जी जी राइट और सर जहां तक आपने बताया 110 के बारे में, मैं जो जी गुजराती वेब सीरीज है, मैं गुजराती टेलीविजन और गुजराती फिल्मों में डेफिनेटली काम करना चाहता रहा, और मैं खुद गुजराती हूँ, मेरी पढ़ाई गुजराती में हुई है, गुजराती फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो हर बार मैंने चाहा था कि मैं अच्छे गुजराती प्रोजेक्ट पे काम करूं। इससे पहले ने मैंने एक फिल्म की, मेरे एक मित्र की, वो भी गुजराती में थी, मैड फॉर इच अदर नाम की एक फिल्म थी, लेकिन वो खैर ज्यादा नहीं चली, लोगों को पता नहीं चला उसके बारे में। लेकिन जी 110 में जब मुझे मेरे एक मित्र का मैसेज आया कि भाई लोग ढूंढ रहे हैं गुजराती फादर के लिए, और उन्होंने मुझे अप्रोच किया था, ये मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं राजपुरोहित जी, जगदीश राजपुरोहित, वो भी कलाकार हैं, लेकिन उनको जो प्रोड्यूसर्स को या तो उनके जो साथी कलाकार हैं कविन दवे, उनको लगा था कि वो गुजराती हैं तो अच्छी गुजराती बोल पाएंगे, इसलिए कविन ने उनको कांटेक्ट किया था, भाई मैं जो वेब सीरीज कर रहा हूँ उसमें एक फादर का कैरेक्टर है, आप करेंगे? बोला मैं तो गुजराती नहीं बोलता, लेकिन संजय भाटिया हैं जो गुजराती बोलते हैं, और वो इज ए गुड एक्टर, आप उसको अप्रोच कीजिए, और उस तरह से मेरा उसमें कास्टिंग हुआ। और आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू गेट दैट रोल, क्योंकि बहुत ही बढ़िया वेब सीरीज है वो, एक बाप बेटे की इतनी प्यारी सी केमिस्ट्री है, जो एक बेटे की लाइफ पे पूरी वेब सीरीज है, उसके अंदर बाप उसको किस तरह से उसको मोटिवेट करता है अलग अलग स्टेजेस पे, और वो 4 एपिसोड में 4 अलग अलग एज हमें प्ले करनी थी, और उस सिचुएशन के बारे में बात कर रही थी, तो बहुत मजा आया वो करने में।
और मैं चाहता हूँ कि इसकी और भी आगे सीजन बने और हमें करने का मौका मिले। यस यस सर, हम भी चाहते हैं सर। इसके अलावा सर, आपने एक अपहरण 2 वेब सीरीज में भी काम किया है जी, उसके जी, बारे में भी अपहरण जानना टू, चाहेंगे सर आप। अपहरण टू मेरी बहुत लास्ट मोमेंट पे कास्टिंग हुई थी, और उसमें जो कमिश्नर का किरदार है वो मैंने किया था। एंड उसकी स्टोरी ज्यादा मैं समझ नहीं पाया था क्योंकि बहुत लास्ट मोमेंट कास्टिंग हुई थी, लेकिन एक थोड़ा सा फनी कैरेक्टर है वो, जो लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता, लेकिन एक स्टेज पे एसपी पे, कमिश्नर तो नहीं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी का कैरेक्टर है उस लोकल एरिया का और उस पुलिस स्टेशन का इंचार्ज है। एंड जो रुद्र जो है, जो मेन किरदार है, उसको वो इंस्टिगेट करता है कि आप जाइए इस मिशन पे जो रॉ का मिशन है। एंड जो रुद्र अपनी तुम आंखें में रहता है क्योंकि वो वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर्स है, लेकिन वो यहाँ नहीं, यहाँ से छोड़ के नहीं जाना जाना चाहता क्योंकि उसकी, वो अपनी पत्नी के लिए ज्यादा डेडिकेटेड है न कि काम के लिए। अब उसको वो मिशन पे भेजना भी है, लेकिन ये एसपी जिसे गलत फहमी है कि जो इंसान उसके पास रॉ के एजेंट के तौर पे या तो रॉ के सुपीरियर के तौर पे आया है, वो इंसान उसकी असलियत उसे पता नहीं है। तो बहुत ही प्यारा किरदार है, बहुत करने में भी मजा आता है, और जी टीम भी बहुत अच्छी थी, सारे कलाकार बहुत बढ़िया थे। उज्जवल चोपड़ा मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं जिनके साथ मैंने अहंकार में काम किया है, मैंने उनको डायरेक्ट भी किया है जी अहंकार में। तो ओह वाह, हाँ, तो मुझे बहुत मजा आया वो वेब सीरीज करने में। जी। और सर, इसके अलावा आपने टीवी सीरियल की बात करें तो टीवी सीरियल में भी काम किया है पवित्र रिश्ता, जो कि बहुत ही प्यारा करेक्टर था पवित्र रिश्ता की अगर बात करें, जो कि आज भी हम लोगों को याद है, तो उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे सर। और इसके अलावा क्राइम पेट्रोल काफी मन सुंदर, जो कि आजकल दंगल टीवी पे जो चल रहा है, बहुत ही अच्छा सीरियल्स है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो कि बहुत ही हिट सीरियल है, उसमें भी आपने काम किया है, और भी काफी सीरियल में काम किया है सर, उनके बारे में हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो पवित्र रिश्ता, क्योंकि बालाजी का बहुत ही टीआरपी भी काफी आती थी उसकी, बहुत ही हिट सीरियल था, और उसमें जो सुशांत सिंह राजपूत जी, अंकिता लोखंडे जी, बहुत ही प्यारी जो कास्ट थी, तो मैं जानना चाहूंगी वो एक्सपीरियंस कैसा था सर आपके लिए। पवित्र रिश्ता जब मुझे सीरियल मिला, बालाजी में मेरी कास्टिंग हुई, और सीरियल तो वैसे भी सुपरहिट हो चुका था तब तक जब मैंने ज्वाइन किया, क्योंकि मैं थर्ड जनरेशन में या तो सेकंड जनरेशन में मैं आता हूँ उसमें। जब अंकिता लोखंडे का बेटा बड़ा हो चुका है और उनके बेटे के साथ में मेरी बेटी की बेटी की शादी होती है, या तो वो मेरी बेटी को प्यार करता है और उससे मैं पहले नाराज हूँ कि ये शादी मत करो, बाद में मैं उसको हामी भरता हूँ। और बहुत ही सिंपल सा एक टिपिकल महाराष्ट्रियन फैमिली का एक नौकरी करने वाला इंसान का करेक्टर था वो, जो बहुत ही सेटिस्फाइड लाइफ जीता है अपने दो बच्चों के साथ, एक अपने छोटे से परिवार के साथ में, और अचानक से उनके जी ऊपर एक ऐसी चीज आ जाती है जो कभी वो लोग उस चीज के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो जी उसकी जो जद्दोजहद है एंड जो उसको बेटी को मानते हुए भी उससे शादी करवाना, या तो बाद में शादी के बाद में उसके लिए लड़ना, उसके लिए एक स्टैंड लेना, ये बहुत ही प्यारा जी करेक्टर था, बहुत मजा आया था वो करेक्टर करने में। जी और सर, आपके लिए चैलेंजिंग रोल कौन सा था सर? आपने क्योंकि फिल्मों में भी काम किया है, वेब सीरीज में भी काम किया है, और टीवी सीरियल्स में भी काम किया है, तो आपकी लाइफ का कोई ऐसा करेक्टर रहा जो आपके लिए चैलेंजिंग रहा हो सर? कोई भी प्रोजेक्ट
जब हम लेते हैं एज एन एक्टर, तो सारे कैरेक्टर जो है वो चैलेंजिंग ही होते हैं, क्योंकि उसको जब आप एक चैलेंज के साथ में एक्सेप्ट करके उसको बखूबी जब निभाना की कोशिश करते हैं, तब वो चैलेंजिंग ही हो जाता है। मेरे लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग अगर पर्सनल लेवल पे मैं कहूँ तो क्राइम पेट्रोल का मेरा पहला एक्सपीरियंस, जहां पे एक बहुत ही ब्रूटल फादर का कैरेक्टर मैंने किया था, जो अपने बेटे पे इतना ज्यादा अत्याचार करता है कि उसका बेटा सुसाइड कर लेता है। जो किरदार, ये सोचते वक्त भी मैं हिल जाता हूं कि ऐसा एक बाप कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं वो मेरी समझ से परे है वो, इतना निष्ठुर बाप कैसे हो सकता है कि जो अपने बेटे से ऐसे काम करवाता है। वो उससे गैस एजेंसी का मालिक है तो गैस के सिलेंडर उठवाता है एक 7-12 साल के बच्चे से। तो ये कैरेक्टर करते वक्त मुझे खुद को बहुत दर्द होता था, क्योंकि ये बच्चों के ऊपर अत्याचार है, और जी ये मैं खुद कैसे करूंगा। बहुत सारे सीन ऐसे होते थे जो मैं कर नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं इमोशनली बहुत ही ज्यादा अटैच हो जाता था बच्चे पे कि यार मैं ये कैसे करूंगा इसके साथ यार, लेकिन मुझे जी करना है कलाकार के तौर पे। तो ये बहुत जी जी चैलेंजिंग था मेरे लिए कि जो मेरा मन नहीं मान रहा है, मैं मन से इच्छा नहीं हो रही कि मैं करूं, और मैं बेटी जी को मार रहा हूँ, उसको उसे बेल्ट से मार रहा हूँ, ये तो मतलब मैं खुद ये सह नहीं सकता, तो मैं करूंगा कैसे। और मैंने जी किया जी था, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था। आज भी वो बोलते वक्त मेरी आंखें भर आती है कि मैंने वो बच्चे पे कितना अत्याचार किया था, तो बहुत ही डिफिकल्ट रहा था। जी और सर, एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग करना उतना इजी भी नहीं होता है सर, क्योंकि आप लोगों को 12 12 आवर्स काम करना पड़ता है। आज की जनरेशन की अगर हम बात करें तो सभी एक्टर बनना चाहते हैं, स्टार बनना चाहते हैं, लेकिन जो उसके पीछे जो स्ट्रगल होता है वो हम सभी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे सर, किस तरह से आप लोग मैनेज कर लेती हो सर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को, क्योंकि काफी काम करना होता है। देखिए, मैं एक्टर बनना, सिल्वर स्क्रीन पे आना, टेलीविजन पे आना, ये लोगों का सपना जी होता है, लेकिन जी उसके लिए जो मेहनत लगती है वो बहुत अलग लेवल की लगती है। अपने आप को फिट रखना ताकि आप प्रॉपर दिखें, आपका स्वास्थ्य अगर सही होगा तो आप ठीक से बोल पाएंगे, ठीक से चल पाएंगे, ठीक से मूवमेंट कर पाएंगे, जो स्क्रीन पे दिखता है। अपने आप को देखना कि भाई मैं इस तरह से दिखता हूँ, ये मेरा प्रोफाइल अच्छा लगता है, ये मेरा प्रोफाइल अच्छा नहीं लगता है, वो एक पार्ट होता है। दूसरा पार्ट जो है कि आपको समय पे अपना काम पूरा करना, डायलॉग याद रखना, उस डायलॉग को उसी फ्रेज में, उसी कॉन्टेक्स्ट में, उसी रेफरेंस में बोलना, ताकि जो राइटर ने लिखा है, जो डायरेक्टर चाहता है, वो उसी तरह से लोगों तक पहुंचे। कैरेक्टर की अंडरस्टैंडिंग और उसका एग्जीक्यूशन, आपने जो सीन पढ़ा है उसको वो उस तरह से लाइन याद करके आपको उसी तरह से एग्जीक्यूट करना है कि आपका किरदार वो बोल रहा है, न कि संजय भाटिया बोल रहा है। और ये जो किरदार बोल रहा है वो किरदार का एक पास्ट है जो लोगों के जहन में है, और जी उस किरदार के हिसाब से उस चीज को इतना कन्विंसिंगली बोलना कि लोगों को ये बात समझ में आए। तो ये हो गया एक्टिंग का पार्ट। उसके अलावा यस आपने जो बात बताई कि आपको 12 12 घंटे काम करना पड़ता है, मैं आपको एक रिसेंट मेरा जो वाकया है, परसों की बात बता जी रहा हूं कि जी कल मेरा शो था जयपुर में, चाणक्य का, और जिसके लिए मुझे चाणक्य के लिए मुझे जाना था जयपुर कल। मेरी शूट थी परसों मन सुंदर की। मन सुंदर वालों को मेरे कुछ सीन्स खत्म करने जरूरी थे, क्योंकि मैं कल नहीं था, अवेलेबल नहीं था।
परसों सुबह 9 बजे मैं शूट पे गया हूँ, परसों पूरा दिन मैंने शूट किया है, रात को 2:30 बजे तक मैं कैमरा के सामने रहा हूँ, सुबह साढ़े चार ओ बजे की मैंने फ्लाइट पकड़ी, सुबह 5 बजे की फ्लाइट पकड़ी है, दोपहर को साढ़े जयपुर गया हूँ, जयपुर में 1 घंटा मुश्किल से सोया हूँ, दोपहर को साढ़े बारह जी बजे मैं स्टेज पे गया हूँ, वहां पे पूरा शो परफॉर्म किया है, और शाम को 4 बजे मैं जाकर के मैंने खाना खाया उस कंटिन्यू, और बाद में वहां से ट्रैवल करके आ जाया हूँ। फॉर्चुनेटली आज मेरा शूट नहीं था, इसलिए मैं आराम कर जी पाया, और इसलिए मैंने आपको आपको कल बताया कि हाँ मैं कल अवेलेबल हूँ। सैल्यूट टू यू सर। आप ये सोचती होंगी कि संजय भाटिया मुझे वक्त ही नहीं दे रहे, मुझे टाइम ही नहीं दे रहे, लेकिन मेरे पास एक्चुअल में वक्त नहीं था, मैं बहुत ज्यादा बिजी, नो और नो ये सर, इसका ऐसे मैं तो जानती टेलीकास्ट, हूँ जी। ये टेलीकास्ट पे था एपिसोड, हमें इमीडिएटली वो शूट करना जरूरी था, तो लेकिन जी इन सब चीजों के बावजूद जब आप स्टेज पे हो, जब आप स्क्रीन पे जी सामने हो, तब आपको उतना फ्रेश रहना है, उतना अलर्ट रहना है, और उस तरह से परफॉर्म करना जी है, ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है कलाकार के लिए। राइट सर, हैट्स ऑफ सर, सच में। क्योंकि तो हम हमारी अगर ऑडियंस की बात करें तो हम एंटरटेन होते हैं, लेकिन जो आप लोगों की एक्टर की बात करें बहुत ही डिफिकल्ट होता है। फिर भी आपकी जो मुस्कान रहती है फेस पे, सच में सर हैट्स ऑफ, जो आप इतना अच्छा काम कर रहे हो हमारे लिए। और थैंक यू सच सर, में जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं और जो बाद में देखेंगे उनके लिए बहुत ही बड़ा मैसेज था सर। क्योंकि आजकल आज की अगर हम बात करें तो हर कोई एक्टर बनना चाहता है, लेकिन जो स्ट्रगल होता है उसके पीछे की स्टोरी होती है, रियल स्ट्रगल होता है, वो आज आपसे हमने सीखा है। थैंक यू सो मच सर। और सर इसके अलावा आपने ऐड भी काफी ऐड किए हैं सर, यामी गौतम जी के साथ भी आपने एक ऐड किया है, और उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐड किए, तो उसके बारे में क्या कहना है सर? एड शूट मुझे बहुत पसंद होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि उसमें एक एक एक्सप्रेशन के लिए वक्त दिया जाता है, जी क्योंकि 30 सेकंड का या तो मैक्सिमम 1 मिनट का ऐड होता है, जिसके अंदर हर एक्सप्रेशन का एक मायने होता है। जी तो एक एक लाइन अगर आपको बोलनी है, लेकिन वो एक लाइन इतनी करेक्ट होनी चाहिए कि वो मैसेज अक्रॉस जी जाए जी उस जी एक्सप्रेशन के साथ में, उस टोनेशन के साथ में, यानी वो मैसेज प्रॉपरली पहुंचे। इसलिए ऐड करना जी मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि जी वो हर एक एक्सप्रेशन पे आप काम करते हो, उसको किरदार बनाते हो, एक राइट और एक 30 सेकंड के अंदर, जिसके अंदर आपका 20 सेकंड क्या है, तो मे भी 10 सेकंड का पार्ट रहेगा, उसके अंदर आप वो चीज कन्वे कर देते हो, जी जी तो बहुत मजा आता है। मेरी एक कहानी थी, जिसके अंदर मैं साउथ इंडियन हूँ, जी और मेरे यहाँ पे साउथ इंडियन हिंदू स्टोन हिंदू फैमिली से बिलोंग करता हूँ, फ्लैट ऑनर हूँ, मतलब मेरी जगह है, और वहां पे मैं एक जी लड़का पेइंग गेस्ट के तौर पे आया है, और वो उसका नाम पूछता हूँ कि व्हाट्स योर नेम, तो वो कहता है कि मुस्तफा, तो मैं झेप जाता हूँ, अरे ये मुसलमान मेरे यहाँ पे आया है, फिर भी उसको एक कवर करते हुए वाइफ को देखता हूँ कि यार फुल नेम मुस्तफा अहमद, अच्छा, फिर वो वाइफ नाराज होकर चली जाती है, यार ये तो आप मतलब पैसों के लिए कुछ भी करोगे, तो मैं कहता हूँ, वाइफ के जाने के बाद मैं देखता हूँ कि बिरयानी नहीं बनाने को आता, बिरयानी बना के खिलाएगा तो 1000 रुपीज कम लेगा एक्चुअली, तब वो करेक्टर खुलता है कि ही इज नॉट कंजर्वेटिव, वो वाइफ भी जी वहां से चली गई है कि उसको पता है कि अरे अब ये बिरयानी खाएगा इसके बैठ के, तो वो इट वॉज अ ट्विस्ट, तो वो करने में यस इतना मजा आया कि लोगों को जी ऐसा ही इंट्रिग लगता है कि ये इसको इसको रूम उसको नहीं पड़ी कि वो कौन सी जात से बिलोंग करता है, उसको तो ये कि चलो अभी मुझे बिरयानी खाने मिलेगी, तो जी इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग एड, तो वो ऐसी अब वो सिर्फ 20 सेकंड की एड है,
इतना मजा आता है वो करने में, तो 20 सेकंड वाह के अंदर आप सर, इतनी सारी चीजें कन्वे कर देते हो। जी, बिल्कुल सही कहा है सर। और एक आपकी जो ब्रिटानिया की थी, आई थिंक वो भी बहुत ही अच्छी ऐड है सर, हाँ वही वही, ब्रिटानिया पार्ले पार्ले 20, जी, पार्ले 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 ब्रिटेन, 2020 की। यस यस जी। और सर हमारे साथ राकेश शोकर जी जुड़े हैं जो कि बहुत ही अच्छी कवि है, रेखा अग्रवाल जी जुड़ी है जो कि बहुत ही अच्छी कवित्री है, सानवी गोयल हमारे साथ जुड़ी है जो कि बहुत ही टैलेंटेड बच्ची है। सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। और सर एक एक्टर के लिए थिएटर करना कितना जरूरी होता है, वैसे तो आप बता चुके हो लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे सर, और कुछ आप एक्टिंग के टिप्स लेना सब चाहेंगे आपसे। जी कुछ एक साथ में ले लोगे तो फिर मैं क्या करूंगा? नहीं खैर कोई बात नहीं। देखिए, एक क्रिकेटर के लिए नेट प्रैक्टिस कितनी जरूरी है, उतना ही एक सिंगर के लिए रियाज जितना जरूरी है, एक वैसे ही एक कलाकार के लिए थिएटर करना जरूरी है। थिएटर इज ब्रशिंग अप योर स्किल, आप अपने हुनर को और निखारते हो, उसके अंदर जो जान लगा देते हो, कि क्योंकि लाइव ऑडियंस है, वहां पर कोई कट नहीं हो सकता, आपकी गलतियां जो है वो लोगों के सामने दिखेंगी, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप है। आप एक 100 से लेकर के 5,000 के ऑडियंस के सामने परफॉर्म कर रहे हो और आपको इंस्टेंट रिएक्शंस मिलते हैं, तो आपको ये पता चलता है कि आपकी गलती है या नहीं, आपने क्या अच्छा किया क्या बुरा किया, उसका रिजल्ट तुरंत आता है। फिल्मों की तरह नहीं, जो आपको बाद में पता चलेगा, जिसके अंदर एडिटिंग जाएगी, जिसके अंदर साउंड चलेगा, जिसके अंदर म्यूजिक आएगा, बाद में आपकी एक्टिंग निखारी जाएगी। नहीं, यहाँ पे जो है वो सामने, यानी आपको इतना तैयार रहना है कि मैं जो डिलीवर करूंगा वो परफेक्ट करूंगा और सामने वाले को वो पसंद आएगा ही आएगा, और आना ही चाहिए, तब आप एक अच्छे कलाकार का हो जाओ। तो ये जो तैयारी रहती है उसके लिए बहुत सारे रिहर्सल रहती हैं, और वो रिहर्सल करने के बाद जाके अपने आप को कॉन्फिडेंट करने के बाद आप स्टेज पे आते हैं, और इसका फायदा हमें होता है जब हम कैमरा के सामने काम करते हैं, तो वो तैयारी के साथ में जब कैमरा पे आते हैं तो वॉइस प्रोजेक्शन से लेकर के, हमारे मैनरिज्म से लेकर के, जेस्टर्स पोस्चर्स को लेकर के, बहुत सारी चीजें वर्कआउट होती हैं और उस तरह से परफॉर्मेंस आती है। थैंक यू सो मच सर जी। और आपके सर शो पे जितने लोग जुड़े हैं यस उनको, आपके शो पे जितने लोग जुड़े हैं उनको सभी को विश्व रंगमंच दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी इस कला से जुड़े हुए हैं, ऐसा जो आपने बताया कि अलग अलग जी क्षेत्र से कोई सिंगर है, कोई म्यूजिशियन है, कोई थिएटर एक्टिविस्ट है, तो सभी को विश्व रंगमंच की दी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी सर। और सर एक्टिंग की बात करें तो आपके फेवरेट एक्टर कौन है सर, जो आपको हमेशा इंस्पायर करते हैं? मेरे फेवरेट एक्टर एक नहीं कई सारे हैं, क्योंकि हर एक की अपनी एक खूबी होती है। देखिए, राइट कलाकार एक जैसा कभी नहीं हो सकता, कि जी कलाकार एक प्रवाही है, वो लिक्विड है, उसको अलग अलग पात्र में ढाला जाता है, तो जो जी कलाकार इतना लिक्विड फॉर्म में आ जाए कि वो आपको किसी भी पात्र में डल जाए और उस पात्र जैसा लगे, जी तो वो सच्चा कलाकार होता है। तो जी ज्यादातर जी मेरे लिए जो इंस्पायर करते हैं मुझे ज्यादा, वो कैरेक्टर आर्टिस्ट होते हैं। कैरेक्टर आर्टिस्ट इसलिए ज्यादा इंस्पायर करते हैं क्योंकि वो अलग अलग कैरेक्टर्स करते हैं, वो हर फिल्मों जी में हर सीरियल में विभिन्न कैरेक्टर्स करते हैं, और इसलिए वो ज्यादा निखर के आते हैं। जी जैसे यानी मैं अपने नजदीक के लोगों की बात करूं तो मनोज जोशी, अतुल श्रीवास्तव, जो छोटे छोटे, शायद बड़ी स्क्रीन पे वो छोटे छोटे किरदार करते होंगे, लेकिन मजे की बात ये राइट होती है कि वो इतना छोटा कैरेक्टर इतनी बखूबी निभाते कि आपको वो कैरेक्टर ही लगता है। जॉनी लीवर साहब, जी जॉनी लीवर साहब हर प्रकार की कॉमेडी करते हैं, लेकिन
वो इतना वेरिएशन होता है उसके अंदर कि आप जी इमेजिन ही नहीं जी कर सकते। खट्टा मीठा जैसी फिल्म के अंदर आपको पूरी फिल्म याद नहीं रहती, लेकिन आपको सिर्फ वो ट्रैक्टर रिपेयर, अपना रोलर रिपेयर करने वाला बंदा जो उन्होंने कैरेक्टर किया था, इतना बढ़िया कैरेक्टर किया था कि वही चीज याद जी रहती। राइट सर तो सौरभ शुक्ल, संजय मिश्रा, ये कलाकार है, नवाजुद्दीन जी सिद्दीकी, जो कभी जिन्होंने सिर्फ एक पॉकेट मार की भूमिका की थी इसपे मुनाबा एमबीबीएस में, एक जी एक चोर की, या तो एक इसकी कैदी की भूमिका की थी सरफरोश में वो, लेकिन वो एक सीन के लिए आते हैं और एक अपना प्रभाव छोड़ देते हैं। जी वो कलाकार मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस करते हैं। क्या बात है सर। जी, आपने बिल्कुल सही कहा है सर। चाहे जॉनी लीवर जी की बात करें, संजय मिश्रा जी की, बहुत ही गुणी आर्टिस्ट है और जिन्होंने अपने अभिनय से लोगों के दिलों में एक अलग ही छाप छोड़ी है। आपने बिल्कुल सही कहा है। और जसमीत कौर जी हमारे साथ जुड़ी है, जो कि बहुत ही अच्छी सिंगर है। थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, जो जो भी हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू सो मच सर। और सर, जाते जाते क्या मैसेज देना चाहोगे आप हमारे ऑडियंस को जो हमारे साथ जुड़े हैं सर? बस आज इतना बड़ा दिन है, विश्व रंगमंच दिवस है, और इस दिन पे मैं सभी को एक ही चीज बताना चाहूंगा कि जो मैंने पहले भी कहा कि ये जी विश्व जो पूरा है वो एक थिएटर है, और जी उसमें जी हम हमारा किरदार एकदम सच्चे मन से, पूरी लगन से और अपनी पूरी तैयारी के साथ में अगर निभाए तो सभी सुखी हो जाएंगे। जी राइट सर, बिल्कुल सही कहा है। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया, बहुत ही अच्छा लगा सर। इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस विद यू। थैंक यू सो मच थैंक यू सर, सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू एवरीवन, टेक हैव अ केयर, गुड डे। थैंक यू टू यू सर। सो मच सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। और इसी तरह से देखते रहिए द आरडीडी शो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और आप भी कोशिश कीजिए। से टकराए बिन कश्ती पार नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवार कभी गुलजार नहीं होती, जोशे जिगर ना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराशे बिन उसमें चमकार नहीं होती, बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी